अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान महक शाहिद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, मेरे अकब में आप पहाड़ देख रहे हैं। ये पहाड़ कयूम बाबा फुटबॉल ग्राउंड की पहचान है। मैं इस वक्त कयूम बाबा फुटबॉल ग्राउंड में मौजूद हूँ। 2 साल के बाद इस ग्राउंड की रौनकें बहाल हुई है। 2 साल पहले यहाँ पर मैच हुआ करते थे, यहाँ पर टूर्नामेंट हुआ करते थे। 2020 में जब पहला ऑल पाकिस्तान गोल्ड कप का इनेकाद किया गया तो उस टाइम यहाँ पर मैचेस हुए, और फिर इसके बाद 2021 और 2022 में यहाँ पर मैचेस नहीं हुए। और अब 14 ऑल पाकिस्तान वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान फुटबॉल गोल्ड कप का इनेकाद किया गया है, तो यहाँ पर भी मैचेस मुनाकिद किए गए हैं। और आज के दिन यहाँ पर 3 मैचेस खेले जा रहे हैं। 2 मैचेस इख्तिताम पज़ीर हो चुके हैं, जबकि 3रा मैच इस टाइम जारी है। निगरान सूबाई वज़ीर खेल व सकाफत जवाहर खान रसानी भी खेल रहे हैं। टाइगर रसानी की टीम की कप्तानी कर रहे हैं, और दूसरी जानब जो है सिबी डिवीजन की टीम खेल रही है। पहला मैच जो है गवादर पोर्ट और फैल्कन कंपनी के मापेन किया गया, और फैल्कन कंपनी ने 0 के मुकाबले में 3 गोल करके इस मैच में कामयाबी हासिल की। रहीम ने 2 गोल जबकि बिस्मिल्लाह ने 1 गोल किया। आज बहुत टफ मैच हुआ। पहले हाफ में ड्रा रहा और दूसरे हाफ में हमने 3 गोल से बरतरी हासिल की। देर से ग्राउंड है, देर वी आई पी ग्राउंड है, शखन प्रवास मैच वसु तेज मैच वसु हवाला आपकी बराबर इसके बाद 2रा मैच जबरदस्त हुआ है। 2रा मैच दोनों टीमों ने जीत के लिए सरतो कोशिशें की, गोल करने की सरतो कोशिशें की, लेकिन जो है दोनों टीमें गोल नहीं कर सकी और ये मैच ड्रा हो गया है। अशरफ शुगर मिल्स और नेशनल स्पोर्ट्स कोयटा के माबेन मैच खेला जा रहा था, और ये मैच बिना किसी नतीजे के इख्तिताम पज़ीर हुआ। मैच आपके सामने है, बड़ा अच्छा हुआ। हमारे बैड लक थी हमारी, जो हमारे इतने गोल मिस हुए, 2 बॉल पोल को लग गया। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच अभी पड़े हैं, तो इंशाल्लाह हम एफर्ट करेंगे और हम इंशाल्लाह विन करेंगे। यहाँ पर मेहमान खसूसी की भी बात करती चलूँ तो आज के दिन यहाँ पर सेक्टर के मोहम्मद इसहाक जमारी और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी और साबिक सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मीर इमरान गिज की भी आज मैच देख रही है। आज के दिन का 3रा मैच सनसनी खेज मैच खेला गया, जो कि इख्तिताम पज़ीर हो गया है, और सिबी की टीम ने 2 के मुकाबले में 3 गोल करके इस मैच में कामयाबी हासिल कर ली है। बहुत ही सनसनी खेज मैच रहा। हमारे लड़कों ने बहुत अच्छा गेम खेला, अल्हम्दुलिल्लाह डिवीज़न टॉप किया है, फिर उसके बाद आए। आज बहुत अच्छा टफ मैच हो गया, और सूबाई वज़ीर खेल माशाल्लाह खुद अच्छा, बहुत अच्छा प्लेयर था, और उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला, और हमारे लड़कों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा खेला। 2-3 से हम लोगों ने जीता मैच, बहुत अच्छा मैच हो गया। हम लोग अरनाई से आए, हम लोगों ने ब्लैक पटिया बांधे हुए, ये हम लोग डेरा बगुटी के 6 प्लेयर अगवा हो गए, उनके लिए उनके साथ हम, वो हमारे डिवीज़न से है, उनके साथ हम लोगों ने एक जेती के लिए ये ब्लैक पटिया बांधे हुए है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों ने मैच जीता है। और यही मैसेज है कि डेरा बगुटी के जो प्लेयर है जो अगवा हुए हैं, उनको बाजियाब कराया जाए। मैच बहुत अच्छा था, और कंपटीशन बहुत बेहतरीन कंपटीशन था। हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला, वी वर द बेटर टीम एक्चुअली, क्योंकि हमने मिस किए हमारी जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ थे, लेकिन क्योंकि फ़ुटबॉल है आखिरी मिनट तक पता नहीं चलता कि क्या होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी ट्राइड आवर बेस्ट कि कमबैक करें, लेकिन जो लिखा हुआ था वो हो गया। और दूसरी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ा टफ खेला, डिफेंस अच्छी थी, और कोई भी बॉल उन्होंने ईजिली जाने नहीं दिया। मिडफील्ड ठीक थी उनकी, पोजेशन नहीं था, लेकिन जैसे फुटबॉल है, यू मिस योर चांसेस, समवन एल्स टेक्स इट।